आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने राजद छोड़ दिया है। वो 14 मई को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि रणधीर सिंह टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। गौरतलब है कि रणधीर सिंह के पिता प्रभुनाथ सिंह फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह लालू यादव के खास लोगों में शामिल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच रणधीर सिंह जदयू में शामिल होना बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व सांसद और आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह के बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सिंह महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से राजद का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने आखिरकार लालू यादव की राजद को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो 14 मई को अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल होंगे। बता दें कि महाराजगंज सीट इंडी गठबंधन में कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस ने इस सीट से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले चर्चा थी कि वो लोकसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है और जदयू में शामिल होने का फैसला किया है। आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा है कि जिस समय बिहार में आरजेडी की 3 सीटें थी, उस समय हमारे पिता प्रभुनाथ सिंह ने इसे 3 से बढ़ाकर 23 सीटें कर दी थी। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका बदला लेने की मंशा जताई है। बता दें कि रणधीर सिंह आरजेडी के टिकट पर छपरा से विधायक रह चुके हैं। जी हाँ, एक तरफ देश में लोकसभा का चुनाव है और जहां लालू यादव की पार्टी पूरी तैयारी कर रही है कि अपना दम दिखा सके, लालू प्रसाद यादव भी फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है, तो वहीं तेजस्वी यादव उनकी दोनों बहनें दोनों चुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हैं ताकि अपना दम अपना पावर दिखाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ले। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी को झटका मिलना भी कम नहीं हो रहा। कई बड़े बड़े नेता ने पहले भी आरजेडी छोड़ दी है क्योंकि कई नेता टिकट ना मिलने की वजह से आरजेडी से नाराज चल रहे थे और टिकट छोड़ दिए हैं। तो वहीं प्रभुनाथ सिंह जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके बेटे रणधीर सिंह ने राजद को छोड़ दिया है क्योंकि वो टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे और उन्होंने राजद छोड़ दिया है। लालू यादव को ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि बोला जा रहा है कि वो 14 मई को नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, यानी अपने समर्थकों के साथ जदयू ज्वाइन करेंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू परिवार को झटका लगा है क्योंकि बड़े नेता वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह के बेटे ने रणधीर सिंह ने राजद को छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि उसका जवाब हम 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर देंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।